ये कोई मेंशन है इन द कुरान, एक्सपेशन 2024 कल्चरल है कुछ। हेलो, इज देयर एनी कंडीशन टू गेट इन? इज देयर एनी कंडीशन? एनीवन कैन गो इनसाइड? या बट ओनली हियर। ओनली हियर? इज देयर एनी अदर वे टू गो इनसाइड? No, no, I just want to go here. Okay, thank you. ये है यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं और जिसको अभी देख लेते हैं कि ये मेरे ख्याल में इसके साथ ये जो बार कोड है अगर इसे हम एक्सेस करें तो हो सकता है कि इसकी पूरी जो भी मिस्ट्री है वो खुल के सामने आ जाएगी। ओके, क्यू आर स्कैनर वैसे ये है जी, इसकी साइट ओपन हो गई है और इसमें इसकी सारी डिटेल आएगी। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये बार कोड है इसको आप स्कैन करेंगे तो इसकी सारी डिटेल आपके पास मोबाइल में ओपन हो जाएगी। ये पुराना कल्चर है इनका। समंदर के अंदर की पिक्चर्स हैं, कुछ बहुत अच्छे पिक्सल्स में ली गई पिक्चर्स हैं। अच्छा, इसके ऊपर सूरतें भी लिखी हुई हैं जी। सहराई ऊंट है, ये अरबी पुराने कल्चरल की जो पिक्चर्स हैं कि सहराओं में किस तरह से ऊंटों के साथ ये सफ़र किया करते थे। यहाँ पे घोड़े और ऊंट आपको खासे मिलेंगे। ये लोसेल है और ये लोसेल का यहाँ का सबसे बड़ा स्टेडियम है। खजूर है, सही है। कोई एथोपिया या कुछ इस तरह का मुल्क है, लगता है जैसे पानी भर के जो बच्चे या स्कूल के बच्चे हैं ये। व्हेल फिश, धरती के जो इस वक्त जो बड़े बड़े जानवर हैं, एक समुद्री वो है और खुश्की का ये है। वाह, कैसे घर हैं ये देखें जरा, माशाल्लाह। अच्छा जी, शतरंज भी रखी हुई है जी। अभी शतरंज है या क्या है लेकिन गेम तो वैसी ही दिख रही है मुझे। इसमें मुझे वो राजा और वो नहीं नज़र आ रहे हैं, क्या कहते हैं ये देखिए जनाब। ओके, ये तो रेटिना है लगता है मुझे।
ये तो स्पेशल चीज़ है ना जनाब, मछलियाँ तो शुरू से यहाँ पे पकड़ने की रवायत है। मछलियाँ हैं, पर्ल हैं, जो मोती होते हैं वो, सिपियाँ, ये वो। थैंक यू। आप इस वक्त कितारा में घूम रहे हैं, मतलब ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है और आप इसको देख के फील कर सकते हैं कि आप कितारा का विज़िट कर रहे हैं इस वक्त। सामने गार्ड साहब हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन सी ऐसी लोकेशन है हमें मिस नहीं करनी चाहिए। शक्ल से पाकिस्तानी लग रहे हैं तो इनसे पूछ लेते हैं, ये भी किसी पहाड़ी साइड के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, यहाँ पे मुझे बताएंगे, थोड़ा गाइड करेंगे कि कौन सी जगह पे विज़िट करना चाहिए? मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ट्रेडिशनल एरिया भी देखूँ। अभी मैं इस एरिया में से, हाँ ये भी है कुछ सामने, थोड़ा सा गाइड करेंगे मुझे कि किस तरफ जाना चाहिए? उस साइड पे बीच साइड है, ये स्ट्रेट जब जाओगे ना नीचे बीच साइड है, ऐसा डिफरेंट मतलब रेस्टोरेंट है, फेमस ये मॉस्क है, ये वाली मॉस्क है, विजिटर बाई से विजिटर आता है इधर, ये कहते हैं ये वो वाला रोड मॉडल। हाँ ये वाला मॉडल मैंने देखा था, इसको मैं देख के सर्च करने आया था, ये वाला तो ये भी नज़र आया। मेरे ख्याल में आपको जाना चाहिए अंदर साइड मस्जिद को। अच्छा मस्जिद के अंदर जाना अंदर साइड, क्योंकि उधर जो है ना ऑल इन्फॉर्मेशन है आपको हासिल कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि विजिटर लोग आते हैं अंदर जाते हैं ना। अच्छा अच्छा सही, तो उस साइड पे भी आप जा सकते हैं। चले बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। पठान भाई थे हमारे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया है कि आप इस मस्जिद में ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि जो भी आता है इस मस्जिद का विज़िट ज़रूर करता है अंदर से। तो देखते हैं इसको भी इंशाल्लाह अज़ीज़। और ये है वो दो छोटे, तीन बुर्ज हैं ये वाले सामने, जो अक्सर इंटरनेट पे भी आप देखते होंगे, वो ये हैं सामने। किस किस्म की इमारत है और इसका क्या मकसद है? ये वही साहब मुझे दोबारा से मिल गए। अच्छा यार, ये मस्जिद तो बड़ी प्यारी है वैसे ही। मॉस्क विजिट है जनाब, और यहाँ पे कुछ
बार कोड्स हैं जो स्कैन करें तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वालेकुम सलाम। إذا ما في مشكلة بدل السلاي لوكيشن أشوفك عليكم ما في مشكلة أخير أحصل عليه ما فرقت ما فرقت فرقت ये कुछ हालात भी लगे हुए हैं अच्छा ये लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप इसको बार कोड से स्कैन करें तो इसकी हिस्ट्री उस लैंग्वेज में आएगी। अभी जैसे ये हिंदी है इंडियन तो आप बार कोड पर स्कैन करें इसको तो आपको ये सारी जो भी हिस्ट्री इस मस्जिद के हवाले से होगी या इस कतारा के हवाले से वो इसके थ्रू हिंदी में मिलेगी आपको। वेयर इज़ पाकिस्तान, ईरान है, बाकी एशिया के काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तानी ये तो आपको पता काफ़ी ब्रिलियंट है तो वो खुद ही ट्रांसलेट कर लेते हैं। आइए दरवाज़ा देखते हैं। ये मस्जिद इनसाइड है और ये शायद फीमेल्स के लिए है नमाज की जगह और मस्जिद अंदर से बेतहाशा खूबसूरत है, बेतहाशा बहुत खूबसूरत मस्जिद है। कतारा की खूबसूरत मस्जिद ऊपर देखें कमाल है। मुझे ये फर्स्ट फ्लोर जो है ना ये मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा, मेरा मूड है कि मैं ऊपर का एरिया भी ज़रूर देखूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर ऊपर कैसे जा सकते हैं, ऊपर का है कोई रास्ता? और हाँ फर्स्ट फ्लोर पर ये जो है Assalamu alaikum. Is there any way to go first floor? First floor? Yeah, first floor. This is also a very beautiful place here. Where? Yeah, yes, yes, yes. Yeah. Illa bus. Illa bus. Gate bus. गेट पास, गेट पास चलिए ओके। अदरवाइज़ ये एरिया जो है इसको टूरिस्ट के लिए बनाया गया। दिस प्लेस ऑलरेडी देर इज़ ऑल्सो रिटन फ्री वेलकम फॉर द टूरिस्ट हेयर, ऑल्सो रिटन हेयर देर आर द पॉलिसीज लाइक दैट। हाँ या हेयर एंड हेयर दिस इज़ द वेलकम। नमाज के दौरान अलाउ नहीं, नमाज हो तो फिर ऑब्वियसली तो व्हेन इट विल बी स्टार्टेड नाउ अगेन विल बी स्टार्ट। हां नाउ अब मैं दाखिल हो गया आगे कोई मसला दोबारा नहीं, अभी वो हो गया तो लेट्स सी। असल में कुछ लोग हैं जो थोड़ा अरबी के अलावा कुछ अंडरस्टैंड नहीं करते या फिर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते यहाँ पे
कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो अरबी आनी भी उसके लिए ज़रूरी है, नहीं तो गूगल ट्रांसलेट। लेकिन कोई डाउट नहीं कि मस्जिद बहुत खूबसूरत है और वाकई विज़िट करके मज़ा आया, पता लगा है कुछ, और इसकी कोई हिस्ट्री ज़रूर होगी। इसके बारे में फर्दर सर्च करूँगा और मैं एक विज़िट स्पेशली इसके लिए आऊँगा। और यहाँ पे अक्सर टूरिस्ट आते हैं, और मुझे लगता है जो बस में टूरिस्ट आते हैं वो आके इन एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी इन एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं लोग। ओके, इनसे पूछते हैं मज़ीद कोई पुरानी अगर जगह हैं तो। आप इधर ही होते हैं, यहाँ पे कोई पुरानी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, कोई खूबसूरत बिल्डिंग्स इस तरह की कुछ? ओल्ड बिल्डिंग, मकान, ओल्ड मकान, गेट बस 16 फॉर विजिट। नहीं वो नहीं समझेगा, इंग्लिश नहीं समझेगा। हाँ ये कदारा, कदीम मकान।